क्या आपके माता पिता का रक्त समूह और आपका रक्त समूह एक है? शायद हो भी सकता है और नहीं भी। रक्त समूह का पता प्रयोगशाला में एक आसान तरीके से लगा सकते हैं। इस प्रयोग में 3A, B और D एंटीसेरा का उपयोग किया जाता है। इंजेक्शन नीडल को कीटाणु रहित करने के लिए इसे अल्कोहल से साफ करते हैं। इसके बाद स्प्रिट से भीगी हुई रुई से उंगली को अच्छी तरह साफ किया जाता है और फिर उंगली से रक्त की बूंद को निकाला जाता है। रक्त की बूंद को एक साफ कीटाणु रहित स्लाइड पर लिया जाता है। अब रक्त की बूंद पर क्रमवार एंटीसेरा ए, बी और फिर इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिलाया जाता है। यहां एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया होती है और रक्त की बूंदें इस प्रकार दिखाई देती हैं। ये हैं ए रक्त समूह। ये है बी रक्त समूह। ये है एबी रक्त समूह। और ये है ओ रक्त समूह। हम रक्त समूहों को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, तो आइए देखें। यहां पर रक्त कोशिका पर एंटीजन ए होता है, इस कारण ये है रक्त समूह ए। और यहां पर रक्त कोशिका पर बी एंटीजन होता है, इसलिए ये है रक्त समूह बी। यहां रक्त कोशिका पर ए तथा बी दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं, इसलिए ये है रक्त समूह ए बी। और यहां रक्त कोशिका पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये है रक्त समूह ओ। अब रक्त की बूंद पर एंटीसेरा डी को डालते हैं और फिर इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिलाया जाता है। और अगर रक्त कोशिका पर आरएच एंटीजन उपस्थित होता है तब वो आरएच प्लस होता है, और अगर रक्त कोशिका पर कोई भी आरएच एंटीजन नहीं होता है तब वो आरएच माइनस होता है। जब भी कभी अधिक चोट लगने पर या फिर शरीर में रक्त की कमी होती है तब किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त हमारे शरीर को चढ़ाया जाता है। ओ श्रेणी का रक्त किसी भी अन्य श्रेणी के व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर।
इसी प्रकार ए बी रक्त श्रेणी का व्यक्ति कहलाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि ए बी श्रेणी का व्यक्ति ए बी और ए बी या ओ किसी से भी रक्त ले सकता है। आमतौर पर समान रक्त श्रेणी वाले व्यक्ति ही एक दूसरे को रक्त दे सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी रक्त श्रेणी वाले व्यक्ति का रक्त ले भी सकता है और उसे दे भी सकता है। जैसे ए ए को, बी बी को और ए बी को, और ओ तो सभी को रक्त दे सकता है।